अभी जो करना है वो करें। चंद्रबाबू नायडू से कुछ सीखना चाहिए था हमने। अभी नहीं, जब पहली बार चंद्रबाबू ने सवाल उठाया था बीजेपी के और सांसदों ने उनके जो मंत्रियों ने जो इस्तीफा दिया था केंद्र सरकार से, तभी हमने कहा था कि विशेष राज के दर्जों को लेकर के अगर किसी को सम्मान नहीं मिल रहा और वादा अगर पूरा नहीं किया जा रहा आफ्टर कमिटमेंट, तो ऐसे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? या तो वो विशेष राज का पैकेज भूल गए, विशेष जो आपको स्टेटस था राज्य को देने का वो भूल गए हैं। बाढ़ वाला 500 करोड़ का घोषणा किया गया वो अब तक नहीं आया, और कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। बीआरजीएफ फंड का क्या हुआ? जितनी योजनाएं हैं उसमें राज्य सरकार का बोझ बढ़ गया है, तो उसपे आप क्या कर रही है डबल इंजन की सरकार? प्रधानमंत्री कहते रहेंगे कि पिछड़े राज्य जैसे बिहार जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा, तो पिछड़े राज्य जैसे बिहार के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार? तो देखिए नीतीश कुमार जी जो हैं अब समझ गए हैं, भाप लिए हैं। मौसम वैज्ञानिक हमारे चाचा रामविलास पासवान जी भी गए हैं, इन लोगों में कुछ बातें हुई हैं, तो हमको लगता है कि ये लोग पहचान गए समय को कि भाई बीजेपी के रहते हुए और नीतीश जी रामविलास जी के रहते हुए भी तेजस्वी और महागठबंधन को नहीं हरा पाए तो अब तो इससे काम नहीं चलेगा। तो जितने अब रिटायर्ड लोग जितने हैं अब उनका फौज इकट्ठा कर रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए। अब बीजेपी को कौन धमका रहा है या बीजेपी कितना प्रेशर में नीतीश जी, तो ये तो वही लोग बता पाएंगे। लेकिन अब बिहार की जनता इनका चेहरा नहीं देखना चाहती है, अब ज्यादा से ज्यादा 5 साल राजनीति करेंगे। अब नरेंद्र सिंह जी आए हैं, अब अचानक से आ गए, इतने दिनों तक बिहार के राजनीति से गायब थे, अब कहां से इनको लेकर के आ गए नीतीश जी, या क्या मजबूरी थी? अब तो ये तो जितना रिटायर्ड लोग उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो हम लोग मजबूती के साथ सरकार की जो विफलताएं हैं, अब इतना घोटाला हो रहा है केंद्र सरकार में, क्यों नहीं नीतीश कुमार? रफाल घोटाला राहुल गांधी जी ने उठाया, क्यों नहीं उठाते हैं भाई? आपका पीएनबी का जो घोटाला